सबर करो। क्या हुआ, थक गई? ओह नो, दो कदम दौड़ नहीं सकती और हमेशा रेस लगाने के लिए तैयार है, एक दो तीन। तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ अभी तो। मेरा लिहाज कर रही हूँ, मैं दिन में 6 किलोमीटर दौड़ता हूँ। 6 किलोमीटर? बहुत बहुत। क्या चांद हूँ, अच्छी हूँ या क्या? नहीं, बहुत अच्छी हो। सच में? नहीं, क्यों नहीं। हाँ तो फिर दौड़े। रुको रुको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? थैंक यू। क्लास कैसी रही? नहीं मालूम। नहीं पता? तुम नहीं होते तो बिल्कुल मुझे मजा नहीं आता, जैसे मैं सिर्फ टाइम जाया कर रही हूँ। हंसो मत, सच कह रही हूँ, चीख मारूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। और ये रही मेरे काम की जगह। यहाँ बहुत अच्छा है। बहुत, बचपन से ही जब गर्मियों का मौसम होता तो यहाँ आकर काम करता था। आओ। सलामुअलैकुम सादिक। वालेकुम सलाम हामिद भाई। सलामुअलैकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम। मैं नहीं सोचती थी कि ये इतना बड़ा होगा। मेरे अब्बू के बकौल बहुत से लोगों की रोजी यहाँ बंधी हुई है। चलो मैं अपना कमरा तुम्हें दिखाता हूँ। कोई काम है? आज नहीं, लेकिन कल काम से मुतालिक एक अपॉइंटमेंट है। अच्छा, इसके बाद तुम क्या करते हो उन दिनों जब तुम्हारी क्लास नहीं होती? इसके बाद फ़ाकीमु सला व आतु ज़का व आतसिमु बिल्लाह व मौलाकुम फनियमल मौला व नियमन नसीर। मुझे यकीन नहीं आ रहा, 20 सफ़े हो गए हैं। इसको कहते हैं एक पारा। तो क्या हो सकता है? कैसे हो सकता है? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हामिद जी, मुझे अफसोस है, तुम मेरी वजह से उस मुकाबले में नहीं जा सके। नहीं, बहुत बुरा तो हुआ नहीं। बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि खुदा ने उस काम से मुझे सबक सिखा दिया। कैसा सबक? पता नहीं, शायद वो चाहता था मेरा ध्यान मेरी नीयत की तरह साफ हो, कहीं गलत रास्ता इख्तियार न कर जाऊं। तुम्हारे बात करने का अंदाज मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात मैं समझ नहीं पाती कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन वो मुझे पसंद होता है। ये तुम्हें उकता नहीं देता? शायद तुम्हें यकीन ना आए लैला, मैंने इनमें से बाज़ आयात को उनको हिफ्ज़ ज़हन नशीन करने और दोहराने के लिए 1000 मरतबा पढ़ा है, लेकिन हर 1000 मरतबा जो पढ़ता हूँ लगता है पहली बार पढ़ रहा हूँ। कैसा महसूस करते हो? महसूस पता नहीं मैं कैसे कहूँ, इसे बयान नहीं किया जा सकता। जब तुम पढ़ो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम ज़मीन पर नहीं हो, आसूदा हो, जैसे किसी चीज़ से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। जब इंसान डूब जाता है तो एहसास होता है कि आसमान से नूर बरस रहा है, जैसे नूर की बारिश हो रही है और तुम पानी पर चहलकदमी कर रही हो। लाना तो इस दिखावे पर। तुमने खुद कहा था कि मियां बीवी के दरमियान कोई दिखावा नहीं होता। हाँ नहीं होता। मुझे भी सिखाओगे? वाकई? तो क्या मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? क्या तुम मेरे हमउम्र हो? लेकिन क्या है, मुझ पे नहीं जचता है क्या? नहीं, क्यों नहीं, लेकिन बहरहाल तुम खुद बेवकूफ हो। नहीं, तुम उतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं हो, लेकिन दरअस मैं चौंक गया। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे हक मेहर के तौर पर तुम मुझे कुरान हिफ्ज़ करवाओ। क्या कह रही हो लैला? अभी इसी वक्त। इसी वक्त? हाँ इसी वक्त। ठीक है, आयतुल कुर्सी से शुरू करते हैं, ताकि तुम अपने आप और अपने घर वालों की हिफाजत कर सको जिनको तुम चाहती हो। आयतुल कुर्सी मुझे आती है। आती है? उन दिनों जब तुम्हारा हाथ टूटा था मैं दूर से पढ़ती थी और तुम पर फूंकती थी। वाकई? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? आप ठीक हैं? मंसूर साहब ठीक हैं? हमारी प्यारी बहू कैसी है? सलामत रहें, आप ठीक हैं? हाजी साहब ठीक हैं? हामिद मियां, खुदा का शुक्र। अम्मी कौन है? मैं चाह रही थी अगर आप इजाज़त दें तो कल रात हम आपको जहमत दें। कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, खैर है इंशाल्लाह। शादी की तारीख तय करें और वलीमे वगैरह के बारे में बात करनी थी। आपके कदम सर आंखों पर, तशरीफ लाएं। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। अम्मी तो आज क्यों नहीं आए? मुझे बताते तो मैं भी ना आती। तुम नहीं होते हो तो मेरा दिल उदास हो जाता है। शायद मैं तुम्हें चाहता हूँ का जवाब मैं भी होगा, लेकिन मेरा दिल उदास है का जवाब मैं भी आकर मिलता हूँ है। हाँ, जवाब तो यही होता है। अच्छा तो फिर क्यों? क्या क्यों? हामिद बहुत अरे ये लीजिए। क्या कहूँ, कब आए? उसी वक्त जब तुमने कहा कि तुम्हारा दिल मेरे लिए उदास हो गया है। मैंने नहीं कहा कि मेरा दिल तुम्हारे लिए उदास हो गया है। क्या तुम्हें मालूम है दिल की उदासी का क्या मतलब है? हाँ। क्या मतलब है? यानी जैसे इंसान मरना चाहता हो लेकिन मर ना पाए। हाँ यही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे पास हो। ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी गुज़िश्ता की तरह हो जाए। मैं सचमुच तुम्हारी आशिक बन रही हूँ। बड़ा एंजॉय किया जा रहा है भाई। शनाख्ती कार्ड। हमने बच्चों की शादी का दिन बीबी फातिमा जहरा और अमीरुल मोमिनीन की शादी का दिन रखा है, और अच्छी बात यह है कि जुमे का दिन पड़ रहा है। अब अगर आप इत्तेफाक राय रखते हैं तो इस तारीख को हतमी करें। अगर आप कहते हैं ठीक है तो ठीक ही होगा। हमने भी बिल्कुल उसी दिन शादी की थी। आप तो बहुत चालाक निकले जी। हमने चाहा हमारी शादी की सालगिरह अपने बच्चों के साथ एक हो जाए। जो तारीख आप बता रहे हैं ज्यादा दिन तो नहीं बचे हैं। अभी तक हमने लैला का जहेज वगैरह तैयार नहीं किया है। जहेज? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि मैं नहीं समझता हूँ कि अब जहेज की हमें कोई ज्यादा जरूरत भी हो। क्यों? इन्होंने कुछ ज़रूरी चीज़ें फराहम की हैं खुद ही। माफ़ कीजिए हाजी साहब, खुदा का शुक्र है कि आपके पास है, लेकिन हम भी गरीब नहीं हैं। हमारी भी सिर्फ एक ही बेटी है, इस तरह नहीं हो सकता। और अब दो हो गए हैं। हामिद मियाँ भी बिल्कुल हमारे बेटे की तरह है। हामिद बेटा, घर का क्या किया है, कहीं देखा है? दरअसल घर तो बच्चे हमारे पास रहेंगे, हमारे पास, हमारे अपने घर में। आपके घर में? जी हाँ, इतने बड़े घर में हम भी तो अकेले ही हैं। माफ कीजिए मोहतरमा, हम भी तो अकेले हैं, ये कोई वजह नहीं बनती। देखें, हमने भी जब शादी की तो हम, खुदा मग़फ़िरत करे, हाजी साहब और हाजिया साहिबा के पास जाकर रहे। जी शायद पुराने जमाने में इस तरह था, लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। मेरी नज़र में बेहतर है कि बच्चे आज़ाद और अलहदा जिंदगी गुजारें। मैंने शर्त रखी थी निकाह से पहले, एक मजबूत और सख्त शर्त रखी थी मैंने हामिद और लैला बेटी के साथ। मैंने अर्ज किया था कि निकाह से पहले कि मेरी दो अहम शर्तें हैं, एक जहेज नहीं होगा, दो अलहदा घर नहीं होगा। हामिद मियाँ, तुमने लैला बेटी को बात नहीं बताई थी कि वो अपने घर वालों को बताए? बात तो हमारी तय हो गई थी, लेकिन क्यों? मैंने खुद लैला से कहा था, निकाह से पहले तुमसे मैंने बात की थी। लैला, तुमने अपने अम्मी अबू से कुछ नहीं कहा? नहीं, कहना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाया।
उस वक्त आप बहरहाल हम बेखबर थे, हम सब बेखबर थे। लैला भी तो माशाल्लाह हमें कुछ नहीं बताती। हाँ, जरूर वो भूल गई होगी। उसने नहीं बताया क्योंकि उसको हमारा जवाब पता था। आप भी बेहतर था कि मुझसे खुद बात करती। उस वक्त मैं आपसे कह देती कि बिल्कुल ऐसी बात मुमकिन नहीं है। वैसे अभी देर नहीं हुई है, हम अपनी बेटी को इस तरह खाली हाथों ससुराल नहीं भेज सकते। लड़की को जहेज की ज़रूरत होती है। उससे हटकर मेरी नज़र में अच्छा है कि वो अलहदा रहें, उन दोनों के लिए फ़ायदे में है। माफ़ कीजिएगा। लैला बेटी, एक मिनट ज़रा यहाँ आना तो। हाजी साहब, चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी, पीजिए। अभी तक तुमने ये बात मुझसे बताई क्यों नहीं? इसलिए कि ये बात अहम नहीं थी। अहम नहीं थी? तुम्हारे लिए अहम नहीं है कि तुम अपने सास के साथ एक ही घर में रहो? नहीं, अहम नहीं है। क्यों इस तरह का रवैया अपनाती हो कि कल तुमको इन बातों की वजह से ताना सुनना पड़े? कोई भी नहीं कहेगा, ना ही ये लोग। तो क्या तुमने नहीं सुना कि वो क्या कह रहे थे? अभी कुछ नहीं हुआ है कि वो अपने पैसे और माल और दौलत पर इतरा रहे हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हमें जहेज नहीं चाहिए। हाजी साहब का ये मतलब नहीं था। अब तुम भी इतना हाजी साहब मत करो। अम्मी, आपका एहतराम वाजिब है, लेकिन जब मैं... शाबाश, तो फिर ऐसी बातें तुमने सीख ली हैं। अम्मी, मैं बात कर रही हूँ। हमने अपनी बातें कर ली हैं। कल जाकर कह देना कि मैं उस घर में नहीं आऊंगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, और उसके बाद हामिद के साथ घर ढूंढने चली जाओ। अरे, इनको अभी से तुम्हारे लिए फैसले करने मत दो बेटी। ये इन लोगों का फैसला नहीं है। तो फिर किसका फैसला है? मेरा है। मैं खुद इनके साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मत मारी गई या तुम्हें कुछ घोल कर पिलाया गया है? हाँ, मेरी मत मारी गई है। मैं चाहती हूँ किसी और तरह से ज़िंदगी गुजारूँ अम्मी, ऐसी ज़िंदगी जो अब तक नहीं गुजारी। मैं चाहती हूँ जाकर देखूँ किस तरह है। मैं सीखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब मैं 40-50 साल की हो जाऊँ तो प्यार और एहतराम मेरी ज़िंदगी बन जाए, शरीफ और हाजी अली की तरह। मेरे और तुम्हारे अब्बू की तरह नहीं। हाँ, शर्माओ नहीं, बोलो। मेरा ये मकसद नहीं था। हामिद बेटा, एक मिनट के लिए। हाजी साहब, आप ये ना सोचे कि मैं नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आप जाने, हमारा माल और दौलत उतना भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं हलाल का है। अलबत्ता कुछ जगह पर कुछ गड़बड़ी हुई है। लाना तो शैतान पर। मंसूर साहब, खुदा मुझे माफ़ करे अगर मैंने कुछ गलत सोचा हो अपने दोस्त के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में। अगर मैं कोई बात करता हूँ तो इस वजह से है कि मुझे पता है हाजी साहब, बिलाखिर इस अरसे में हमने एक दूसरे को अच्छा खासा पहचान दिया है। मैं जानता हूँ कि आप कैसे हैं और कैसे सोचते हैं। मुझे पता है कि आप लैला को अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। अब जब ये बात निकली है तो मुझे एक बात की वजाहत करने दें। जब से लैला मेरे घर में आई है, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, मेरी लगते जिगर है, मेरे वालिद की रूह की कसम, मेरी महताब जैसी है। अगर मैं एक कदम अपनी बेटी के लिए उठाऊंगा तो 10 कदम उसके लिए उठाऊंगा। अगर अब मेरी बात को एक मर्द की बात समझते हैं तो बिस्मिल्लाह। कल को गिला ना करना कि क्यों आप मेरे घर नहीं आती हैं, क्यों आना जाना नहीं करती हैं। उस वक्त तुम्हारे घर आऊंगी जब तुम्हारा घर तुम्हारा अपना घर होगा। मंसूर, एक मिनट यहाँ आना। बेगम, आप यहाँ तशरीफ लाइए, यहाँ पर आके बैठिए और बाकी बातें मुकम्मल कीजिए। लैला मेरी बेटी, तुम भी आ जाओ, आप भी आ जाइए। लैला, नहीं तुम खुद ही देना, बहुत बुरी बात है। प्रोफेसर साहब, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। सलाम अलैकुम। शादी का कार्ड है। तुम दोनों की, दो मुजाद अफराद की शादी? यकीन नहीं आ रहा मुझे। सर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, इतना आना जाना किया कि बिलाखिर मुझे वरगला कर रख दिया। खुदा तुम पर रहम करे तहरानी साहब। सर जरूर आऊंगा, ये मिठाई खाने वाली है। शुक्रिया। मुबारक हो इंशाल्लाह। सर आइएगा जरूर। जरूर जरूर आऊंगा। अच्छा तो मैंने तुम्हें वरगलाया। हाँ और तुम्हारी बहुत मेहरबानी लैला। हामिद जी आओ रेस्टोरेंट तक दौड़ लगाते हैं। नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। एक नहीं तो लैला तीन। लैला क्या नहीं हो सकता कि तुम न जाओ? बहरहाल जाना तो है ही। इतनी जल्दी? मैं भी नहीं सोच सकता था, वो भी अकेला। कम से कम लैला की शादी के बाद चले जाते। वो मेरे काम अधूरे रह गए चाचा जान, अबू भी इशरार करेंगे जल्दी निपटाऊं। हाँ मुझे मालूम है, चाय पियो। नहीं मैं चलता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम एक बुनियादी तब्दीली हमारे कारोबार में लाओगे। मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम चले जाओ, मुझे तला देते रहना। जी अच्छा। जा रहे हो मसूद बेटे? आपकी इजाज़त से। अपना ख्याल रखना। ज़रूर। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। पहुँचते ही फ़ोन करना। खुदा हाफिज़ बेटा। खुदा हाफिज़। मसूद जा रहा है? हाँ। मसूद मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं इस तरह तुम्हें दुख पहुंचाऊं। तुम खुद भी जानते हो कि तुम मेरे लिए कितने अजीज हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि लड़का अच्छा है। शायद मुझे अच्छा ना लगे लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर है। रुक जाओ मसूद। नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कि तुम ना हो? क्या हो सकता है मेरा चचाजाद भाई, मेरी जिंदगी का अहम तरीन शख्स मेरी शादी में ना हो? इस तरह बेहतर है लैला, हम दोनों के लिए अच्छा है। अपना ख्याल रखना। अच्छा बहुत। जज साहब, इस फैक्ट्री की कीमत इन शिकायत करने वालों के मुतालबात से बहुत ज़्यादा है। मैं इनसे बात करूंगा ताकि मामला सुलझ जाए। फिलहाल आरजी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया जाता है जब तक जर जमानत और शख्सी जमानत की तायद नहीं हो जाती। ये लड़की गमजदा है, वैसे भी उसने पूरे अपने ख़ानदान को गंवा दिया है, अपने बाप, अपनी माँ, अपने शोहर को। एक दूध पीने वाला बच्चा घर में है इसका। मैं एक आपके लिए काम कर सकता हूँ, यह है कि इनकी पेशी की तारीख को जल्दी रखता हूँ और बस। ये दो दिन जुमेरात जुमा छुट्टी के हैं, रह जाता है हफ्ते का, हफ्ते को उनकी पेशी है। जी सर। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो हफ्ते तक दरख्वास्त देने वालों की रजायत हासिल कर लें। तुम बिल्कुल परेशान ना हो मेरी बेटी, ठीक हो जाएगा।
जिस तरह भी हो सके मैं उनकी रजायत हासिल कर लूंगा। मैं नहीं चाहती आप मुश्किल में पड़ जाएं। ये कैसी बातें कर रही हो मेरी बेटी? तुम्हें वापस आना होगा हमारे पास, अपने घर में, अपने बच्चे के पास। बच्चा? शरीफा के पास है, तुम बेफिक्र रहो, वो अच्छी जगह पर है। ये दिन ऐसे ही नहीं रहेंगे, गुजर जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम अपने अब्बू के वादे पर भरोसा कर सकती हो। परेशान ना हो हाजी साहब, दो दिनों में कुछ नहीं होगा, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मोहसिन मियां। जी अबू जान। जाओ इनका नंबर लो, एक मीटिंग जल्दी रखो ताकि बैठकर आपस में बात करें, दौड़ो। जी अबू जान। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा हाजी साहब, आप परेशान ना हो। मेरे अब्बू को सुकून और चैन है ही नहीं, हमेशा परेशान रहते हैं, आराम और करार है ही नहीं। महताब, अगर पानी खोल गया है तो इसलिए दूध बना ले आओ। जी अच्छा। पुप्पू की जान, पुप्पू की जान। यहाँ ठंड है। मैं उस लड़की का ध्यान नहीं रख सका। तुमसे जो काम भी हो पाया तुमने उसके लिए किया है। अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती, अगर महताब होती, तुम यही कहती? क्यों ऐसे बात करते हो कि मेरा जमीर मुझे मलामत करे? क्यों तुम सोचते हो कि मैं इसके लिए परेशान नहीं हूँ? क्यों तुम सोचते हो कि मैं उसके लिए फिक्रमंद नहीं? अली, मैं भी लाचार हूँ, मैं भी परेशान हूँ। एक नज़र मुझ पर डालो। हाँ, शायद जरा उससे रंजीदा हूँ। अगर एक और तरह की होती तो ऐसा मेरा हामी जिंदा होता। हाँ, लेकिन अली, मैं भी परेशान हूँ। मैं नहीं कहता हूँ तुम उसके लिए परेशान नहीं हो। शरीफा, मुझे अपने आप पर गुस्सा है कि मैं उन लोगों की अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। हामिद की अमानत की, मैं किसी की अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। इतना परेशान मत हो, जो भी काम तुम समझते हो सही है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि कल उसके केस में क्या होगा। मैंने कारखाने के वकील से कहा है कि इस काम को निपटाए, क्या होगा मुझे भी पता नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? जो भी काम, अगर हामिद और महताब भी होते तो मैं यही काम करता। मैं अपनी सारी दौलत बेच दूंगा लेकिन उसको जेल में नहीं रहने दूंगा। जो भी काम तुम समझते हो कि सही है करो, जो भी काम, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कोई मर्द है क्या? उसे कहते हैं चचा? इंसान अपनी भतीजी के साथ ऐसा काम करता है? मुझे नहीं मालूम उसकी बातें सही है झूठ है। हमें दूसरों से क्या लेना देना शरीफा, हम अपना काम करेंगे। दूसरे के बारे में बात करके अपने गुनाह को ज्यादा भारी मत बनाओ। अली, तो क्या मैंने कोई बुरी बात कही है? मैं कह रही हूँ उसका खानदान है। नहीं है, उसका खानदान नहीं है, उसका खानदान हम हैं शरीफा। उसका घर यहाँ है, इस जगह पर जहाँ हामिद अपनी बीवी का हाथ पकड़ कर आया था, यही है उसका घर। उसे वापस आना पड़ेगा अपने घर, यही अपने घर में उसको वापस आना पड़ेगा। मैं उसका बाप हूँ, तुम उसकी माँ हो, उसे वापस आना चाहिए अपने बच्चे के पास। वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? उसका कोई है ही नहीं कि वो जाए।
उसका घर ये है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आखिरी बार जब मैंने ऐसे ग्लासों में चाय पी थी हॉस्टल में सहेलियों के पास थी। बस जेल की चाय नहीं पी थी, वो भी पी ली। ये ब्रेसलेट, ये क्या है? बुरी नजर के लिए। जब मैं हामला थी तो मेरी माँ ने बनाए थे, वो भी दो। एक मेरी बेटी के हाथ में है और एक मेरे हाथ में है। कोई नहीं था जो उनको बताता मेरी माँ मुझे कौन नजर लगाएगा। लो ये ले लो। नहीं शुक्रिया। लो बच्चे के हाथ के लिए। जरूरत नहीं। ठीक है मैं कैद खाने में हूँ लेकिन किसी ने हमें नजर नहीं लगाई। लो बेटे के हाथ पर बांध देना। बांध देना, भूलना नहीं। अगर बारिश थमेगी नहीं तो क्या होगा? बिलाखिर तो खत्म होगी ना। एक बात कहूँ? कहो। गए तो मेरा दिल उदास हो गया। तुम मुझे बहुत याद आते हो। मैं भी इसी तरह। सच में? सच में। तो फिर कहते क्यों नहीं हो? क्या? कि तुम्हें मेरी याद आती है। कहा तो? तुमने नहीं कहा, मैंने कहा। तुमने कहा मैं भी इसी तरह। अच्छा वही है ना? वही नहीं है, फर्क रखता है। क्या फर्क पड़ता है? तुम कभी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। बिल्कुल उन लोगों की तरह जिन्हें कहना अच्छा नहीं लगता। नहीं। तो क्या? मेरे ख्याल में तुम डर गए हो। तुमने एक दीवार अपने इर्द गिर्द बना ली है ताकि तुम्हें ठेस ना पहुँचे, लेकिन ये बात तुम्हें अपने एहसास कहने से भी दूर कर रही है। शायद मैं गलती कर रही हूँ कि कह रही हूँ। नहीं। क्यों नहीं, इसी तरह है। मुझे भी नहीं कहना चाहिए। नहीं। मुझमें कम से कम ये जरूरत है कि जो बात मैं महसूस करती हूँ कबूल करूँ, लेकिन तुम क्या? अभी तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है, शायद तुम्हें पसंद भी नहीं। लैला। तो फिर क्यों नहीं कहते हो? तुम्हारे गुरूर को ठेस पहुँचती है। जरा खिड़की के पास आओ। क्या कह रहा हूँ? खिड़की के पास आओ। मुझे भी इसी तरह।
उधर हटो। हाँ? हाँ, हट जाओ, हट हाँ? जाओ क्या? हट जाओ, मंड मारो। मारोगे हाँ? तुम्हें जरूरत है तो मारो। ये लो, ये लो। मार के ये हाँ समझ कर बता दी। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। कहाँ गए? ये लो, ये लो। अरे मुझ पर सूट कर रहा है? बिल्कुल मेरी तरह लग रही हो। इससे तुम्हारी खुशबू आ रही है। तुम रख लो। मैं चाहती हूँ इसे तुम्हारे जिस्म पर देखूँ। हामिद, हम सचमुच घर बसा रहे हैं। हाँ लैला। जी सरताज। देखो जब इस तरह जवाब देती हूँ मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाता। अच्छा हाँ, अब इस हद तक भी नहीं। जी वाकई तुम तहे दिल से राजी थी इस घर में आने के लिए? हाँ। मैं मुतमैन रहूं? अगर मैं कहूं नहीं तो क्या करोगे? जो तुम चाहोगी वही करूंगा। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे साथ रहूं। देखो बिल्कुल मेरे लिए अहमियत नहीं रखता है कि मैं कहाँ रहूं। अहमियत इस बात की है कि तुम्हारे साथ हूं। अब चाहे हमारे घर में हो चाहे तुम्हारे घर में, मैं सिर्फ तुम्हें देखती हूँ हामिद। मैं भी इसी तरह। बिल्कुल वही जुमला तकरार करो। अच्छा मैंने कहा तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं कहा, तुमने कहा मैं भी इसी तरह। अरे भाई हामिद। जी फरमाए। ऐसा ना हो कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए तकरारी हो जाऊं। तकरारी बन जाओ? तुम मेरे लिए बिल्कुल एक निशान के मानें दो। निशान कभी भी तकरारी नहीं होती, बिल्कुल कुरान की आयात की तरह। ये बेहतरीन जुमला था जो मैंने आज तक सुना है। अब देखा मुझे भी आता है। देखा आता है? आओ वो बातें जिनको हम पसंद करते हैं दूसरे से कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्या? मिसाल के तौर पर हर चीज़। अच्छा मिसाल के तौर पर मुझे ऑड नंबर्स बहुत पसंद हैं। सच में? हाँ ख़ास तौर पर प्राइम नंबर्स। वो क्यों? वो इसलिए काबिल तकसीम नहीं होते। 1, 3, 7, 9, 11 वो खुद हैं तुम्हारी तरह। शुक्रिया हर चीज के लिए शुक्रिया।
मुबारक हो। शुक्रिया। हामिद मेरी अपने घर में खुश आमदीद मेरी बेटी। शुक्रिया अबू। चला किस्मत अच्छी हो। मंसूर साहब, आप दुल्हन का हाथ दुल्हे के हाथों में रखेंगे। जी हाजी साहब। हामिद बेटा, अब मैं लैला के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। माशाल्लाह तुम जवान हो, अक्लमंद हो, एक माकूल आदमी के दस्तरखान पर पले बढ़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आप बेफिक्र रहें। अगर आप इजाजत दें तो हम अपनी प्यारी बहू को ऊपर ले जाएं। अरे अरे क्यों नहीं, माफ कीजिएगा। शायद बाज जगहों पर मैं इस तरह न सोचूं जैसे तुम और हाजी साहब सोचते हो, या मैंने इस तर्ज पर जिंदगी बसर न की हो, लेकिन हर मर्द जितना भी उसने अच्छी जिंदगी बसर न की हो, उसका दिल चाहता है कि उसकी बेटी एक ऐसे मर्द की बीवी बने जो अच्छा मोमिन हो। इस तरह से इंसान बेफिक्र रहता है। आपकी नवाजिश है। इत्मीनान रखें कि खुद से ज्यादा लैला की तरफ मेरी तवज्जो रहेगी। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया। बेगम चले, भाईजान इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाजी साहब खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपकी बेटी बिल्कुल मेरी अपनी बेटी की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खुशामदीद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा नौशाद साहब, मुबारक हो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजारो। बहुत खुशी हुई भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। अबू जान भी जा रही हो बेटी। अच्छा कोई काम तो नहीं है, मैं चलूं? नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अबू जान। खुदा हाफिज। ठंडक तो नहीं लगी ना तुम्हें? पहने तो है ठीक। आ जा मेरी बेटी गोद में, शाबाश। अल्लाह का शुक्र है। जाओ बेटे, जाओ अपनी दुल्हन के पास। दुल्हन साहब है, खुद ही आ गई। ठीक है, मैं जाता हूँ तुम्हारी अम्मी के पास ताकि वो अकेली ना रहे। सब बखैर। यहाँ बैठ जाएं थोड़ी देर। बैठते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। अभी तो सब शुरू हुआ है। यही ना, मेरा मकसद भी यही था। यही नहीं था? यही था। मेरे साथ बहस मत करो। अच्छा जो कुछ मैं कहती हूँ तुम कहो सर आंखों पर। लैला लड़ना चाहती हो, तुम चाहती हो हम लड़ें? तो क्या तुम्हें आता है? ठीक से मुझे सिखा देना ना तुम। हामिद। क्या है? इस पूरे अरसे में तुम वाहिद चीज थे जो मैं खुदा से मांगती थी। एक बात कहूँ तुम्हें यकीन नहीं आएगा। तुम जो कुछ कहोगे मुझे यकीन आएगा। तुम्हें बहुत पहले मुझे दिया गया है। क्या मतलब? एक रात उन्हीं इब्तिदाई दिनों में, क्लास के वाकये के बाद, मैं अकेला बैठा हुआ था, खुद को और तुम्हें साथ देखा। ख्वाब था? नहीं, तुमको मुझे दिखाया गया जैसे उसी रात हमारा निकाह पढ़ा गया हो। उसके बाद हम हमेशा साथ थे। मैं उससे भागता था लेकिन नहीं भाग सकता था। हामिद मैं चकरा गई हूं। अगर ख्वाब नहीं था तो फिर क्या था? पता नहीं, मतलब ये कि मुझे पता है लेकिन बता नहीं सकता। क्यों? तुम लोगों की चहचहाट अभी खत्म नहीं हुई? इतने सारे साल तुमने एक लफ्ज नहीं बोला, अब क्या हुआ है कि तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही?
जब ये मेरे साथ है तो इसे बात करनी चाहिए ना। लैला डियर, इससे पहले कि तुम्हारा शौहर बने मेरा अकलौता बेटा था। मैं क्या, इससे पहले कि आपकी बहू हूँ कि आपकी बेटी हूँ? तुम हमारी बेटी भी हो, हमारे सर का ताज भी। अच्छा चले चले। कहाँ? मैं और तुम्हारे अबू जरा चक्कर लगा कर आते हैं। एक चक्कर तो नहीं, आज रात मेरा दिल कर रहा है कि गाड़ी में घूमूं। मैं चाहता हूँ बिल्कुल पुराने जमाने की तरह हम सुबह तक फिरते रहें। हाँ, पुराने जमाने से मुराद तुम्हारी हमारी शादी की रात है। हमारी शादी की रात जब हम गाड़ी से घर आ रहे थे तो अच्छे खासे बाराती हमारे पीछे थे। एक मरतबा साहब ने गाड़ी किसी और रूट पर मोड़ दी। क्या दिन थे वो, सुबह तक चालूस हाईवे का चक्कर लगाते रहे। तुम ये सोचो कि वो तमाम बेचारे मेहमान ये सोचते रहे कि हम कहाँ हैं, हमें क्या हो गया है। सुबह होने से पहले वापस लौट आए। हाय हाजी साहब, आप बहुत जबरदस्त हैं। अगर चाहो तो आज भी चालूस हाईवे चलते हैं। चले, कम से कम फूल तो निकालने दें गाड़ी पर से। अपना हाथ फूलों को नहीं लगाओगे हामिद? मैं चाहता हूँ लोग समझे कि हम दूल्हा दुल्हन हैं। क्यों सोचे, हैं तो सही, आज हमारी शादी की सालगिरह है। सही कह रही हैं। दूल्हा दुल्हन की इजाजत से। आज रात जो भी वादे और आहद हैं अपने और खुदा के दरमियान कर लो। आज रात खुदा ने तुम में से हर एक के लिए एक दुआ को मुस्तजाब करने के लिए रखा है, क्योंकि तुमने अपने निस्व ईमान को मुकम्मल किया है। मेरे वालिद के बकौल, जितना इंसान का ईमान ज्यादा होगा खुदा की नस्बत, उतना जिंदगी और शरीक हयात से उसके प्यार में इजाफा होगा। एक बात मत भूलना, एहतराम एहतराम एहतराम, हमेशा एक दूसरे की उम्मत का ख्याल रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दुल्हन साहिबा इंतजार में है। शब खैर। तुम्हारे अम्मी अबू मुझे बहुत पसंद हैं। और मैं? तो क्या अब तक मैंने तुमसे नहीं कहा है? याद नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे याद दिलाना, एक दिन जरूर तुमसे कहूंगी।